सब्सक्राइब करें निवेश रक्षा चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। What's up guys, I'm back with my another video and welcome back to my channel once again. So guys, आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। सो गाइज, आज का नया टॉपिक है और जो टॉपिक रहेगा, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वॉकी टॉकी के ऊपर, जो कि बीओ फैंग की तरफ से है। 888S इसका मॉडल नंबर रहने वाला है। और गाइस, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस पर आपने यार काफ़ी क्वेश्चंस और मेरे को सवाल करे हैं, तो मैं उसके बारे में आज आपको पूरी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। और ये यार इंडिया में लीगल है या नहीं और ये लाइसेंस फ्री है या नहीं, इसकी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं बताने वाला हूँ। मेरे को कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया है इसको यूज़ करते हुए और इसकी आज मैं आपको पूरी वो बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट लेने लायक है या नहीं। और वैसे भी ये मेड इन चाइना है और मैंने इस पहली वाली वीडियो में बताया था, अगर ये ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर नहीं हो सकते। अगर कोई होगा, अगर प्रोफेशनल कोई होगा जो बंदा है ये सारे काम करता होगा तो शायद हो भी जाए। तो आज इसके बारे में आपको मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ। और ये वाला जो मॉडल है वो रहने वाला है बीओ फैंग की तरफ से, वॉकी टॉकी है और इसकी मैं डिटेल देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, अब जो है अब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि यार ये बॉक्स आपने कहाँ से बनवा लिया। तो ये गाइज आफ्टर मार्केट मैंने इसको बनवाया है और कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर रखा हुआ है ताकि ये सेफ़ रहे। और इसके अंदर मैंने 2 वॉकी टॉकी और बैटरीज वगैरह सब ऐसे रखी हुई हैं, ये देखने को मिल जाएगा। ये 2 वॉकी टॉकी हैं, 2 चार्जर हैं, 2 इसके ईयरफोन्स हैं और 2 बैटरी हैं। और जो बैटरी अभी मैंने, जब भी मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ तो बैटरी निकाल के रख देता हूँ। अगर मैं बैटरी लगा के रखूँगा तो बैटरी के फूलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये यूज़ में नहीं रहती। और बैटरीज़ में जो भी होता है कुछ ना कुछ लिक्विड वगैरह कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो ये कुछ इस टाइप का मैंने बॉक्स बनवा लिया है। तो गाइस, अब इसके मैं पूरी रिव्यू आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते और इसके कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इसको ना पहले मैं एक बार असेंबल करके दिखा देता हूँ और किस टाइप का ये दिखता है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है ये, और बड़ा छोटा सा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, हाथ में आ जाता है इजीली। और इसमें ये बैटरी दी हुई है, इसको हम उठाएंगे और इसके पीछे प्लेस कर देंगे और पीछे से पुश कर देंगे तो ये हमारी बैटरी जो है फिट हो गई है। और इसके साथ जो ये एंटीना आया है इसके ऊपर यहाँ प्लेस कर देना है और इसको यहाँ प्लेस करने के बाद इसको यहाँ से ऑन कर दिया मैंने, अभी देख सकते हैं। ऑन करूँगा तो यहाँ से आवाज़ आएगी, तो ये अभी चैनल पे 4 पे सिलेक्ट है और यहाँ पे इसके चैनल स्विच है, इसको रोटेटरी स्विच बोलते हैं। इसको अब जैसे घुमाऊँगा तो ये चैनल्स अपने आप आते रहेंगे और मैंने इसको 1 पे सेट कर दिया है। तो ये कुछ इस टाइप का वॉकी टॉकी है। और गाइज, मैं इसकी अब बात करता हूँ इसके कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके यूज़ आप कभी कभी, अगर कभी जाते हो कैंपिंग साइट्स पे या ओवरलैंडिंग करते हो तो वहाँ आप इसको काफ़ी इजीली यूज़ कर पाओगे। और इन केस अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक साथ ट्रैवल पर जा रहे हो तो वहाँ इसको आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी पीछे चल रही है, दोनों में आपको बार बार फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस वॉकी टॉकी को आप यूज़ कर सकते हो इस यूज़ में भी। और गाइज, अब बात करते हैं ये लाइसेंस फ्री है या नहीं है। तो गाइज, ये इतने लॉन्ग रेंज आपको वॉकी टॉकी नहीं मिलते, ये लगभग 1.5 से 2 या 3 किलोमीटर तक ही काम करते हैं। ये इतने वो नहीं होते कि इनके ऊपर कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़े। मतलब मेरे साफ साफ कहने का मतलब ये है, जो हमारे जो पुलिस वाले हैं और ये सब यूज़ करते हैं ना, ये सब वॉकी टॉकीज बहुत हाई फाई होते हैं और उनके मतलब जो लेवल्स होते हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी कुछ अलग टाइप की होती हैं। तो ये गाइस इंडिया में लीगली आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कोई इवेंट पे हो तो इवेंट पे भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं लगेगी। और गाइस, इसकी जो बैटरी है 1500 mAh की इसकी बैटरी है, ये आप देख सकते हो इस टाइप की इसकी बैटरी है। और गाइज़, ये बैकअप फुल चार्ज पे आपको बैकअप देगी 2 से 3 घंटे का।
मैक्सिमम, इससे कमी हो सकता है, मैक्सिमम 3 आवर्स तक ये मैंने यूज़ किया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है 3 घंटे तक तो मैंने इसको आराम से यूज़ किया है। और इसको मैं मोस्टली इवेंट्स में यूज़ करता हूँ, या फिर कभी हम ट्रैवल पे होते हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम में गाड़ी में आगे वाली गाड़ी में पकड़ा देता हूँ। तो इस टाइप से ये है वॉकी टॉकी, और ये था इसका प्रॉपर एक कस्टमर रिव्यू, जो एक मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आपको ख़रीदना है तो आप इसको जाके ख़रीद सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा। और प्रोडक्ट ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, बट ये चीपेस्ट, जिसको बोलते हैं ना चीपेस्ट रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और मैंने वैसे जो ख़रीदा था ये 3500 के अराउंड था, 3200 या 3500 के नीचे नीचे था, बट जो इसकी परफॉर्मेंस है गाइस वो बिल्कुल मेरे को जो पैसे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक लगी। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्ट का रिव्यू, और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नया आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं और भी ऐसी नोटिफिकेशंस, जो भी मेरी वीडियो डलेगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी। तो ये प्रोडक्ट था आज का, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।